It's a very good decision by Modi ji. Actually, Narendra Modi ji ने जो ये step लिया है, it's a very good step for India's betterment to remove all the black money from India. But I think थोड़ी बहुत तकलीफ तो हर किसी को ही होती है because हर किसी के पास तो 50 या 100 रुपए के नोट होंगे नहीं घर पे. Even I faced quite a bit problem because पहली चीज़ तो पेट्रोल, गाड़ी में अगर पेट्रोल डलवाना है तो इतनी बड़ी बड़ी लाइंस लगी थी और बीच में हम अभी आउटडोर शूट कर रहे थे तो वहाँ पे आना जाना, छुट्टे पैसे नहीं थे, मतलब बेसिकली 2 दिन के लिए मैं गरीब हो गई थी. मैंने तो नहीं काटे बैंक के चक्कर, आई थिंक मेरी मम्मा गई थी बीच में क्योंकि छुट्टे पैसे नहीं थे. छुट्टे पैसे गिन के आई टेल यू इट वॉज समथिंग अराउंड 1200 और ऐसा, इतने पैसे थे बस घर में, बाकी के सारे पैसे वेस्ट लग रहे थे. आई थिंक हाँ, ये बहुत अच्छा स्टेप लिया है मोदी जी ने और सारा करप्शन हट जाएगा. जो भी, जब सपोज़ किसी के पास अगर ब्लैक मनी है, जिनके पास सिर्फ 500 हज़ार की गड्डी है, वो लोग कहाँ जाएंगे? सो बेसिकली इट्स टू रिमूव द ब्लैक मनी आउट फ्रॉम इंडिया एंड ब्रिंग इन द लीगल थिंग. हाँ हाँ, टोटली सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी एंड धीरे धीरे आई थिंक रिजल्ट्स दिख रहे हैं क्योंकि आई थिंक ऑल ऑफ इंडिया इज़ ओके विद द डिसीजन एंड आई एम वेरी प्राउड टू बी दैट आई एम एन इंडियन एंड आई हैव सच अ गुड प्राइम मिनिस्टर एंड वी आर अंडर कंट्रोल ऑफ हिम एंड येस आई एम प्राउड ऑफ बीइंग अ गुजराती टू बिकॉज ही इज़ ऑल्सो अ गुजराती. सी, मुझे ऐसी कोई दिक्कत का सामना मुझे नहीं करना पड़ा बिकॉज अनफॉर्चुनेटली मेरे पास काफ़ी 100 के नोट पड़े हुए थे एंड आज. लेकिन ऑब्वियसली मुझे सुनने में आया कि काफ़ी गरीब लोगों को प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी. लाइक मेरे वॉचमैन को, आई थिंक उसके पास 500 का नोट था, ही कुडंट गो टू द बैंक एंड ही स्टार्ट फॉर 2 days एंड ही डिडंट ईट फूड फॉर 2 days. सो आई गॉट टू नो इट टुडे ओनली. बट थिंग इज दैट इफ यू लुक एट द लार्जर पिक्चर, दिस विल श्योरली क्रिएट डिफरेंसेज इन द अपकमिंग ईयर बिकॉज वट बोल्ड स्टेप मोदी हैज़ टेकन, नरेंद्र मोदी हैज़ टेकन. It's gonna be a revolution for the Indian citizen and for the Indian democracy. And yeah, I think अभी जितना काला धन इन आज से लेकर 30 दिसंबर तक वापस आएगा और अगले साल जब टैक्सेशन की रेट पड़ेगी तो कई लोगों को प्रभाव पड़ेगा उससे. एंड आई होप इसमें कुछ, इन चीज़ों में कुछ करप्शन ना हो और अगर इसमें भी करप्शन होगी तो आई थिंक हमारे इंडिया को फिर वही जैसा पहला था वैसे ही चलता रहेगा. आई थिंक ऑब्वियसली फ़ायदा होगा. बीजेपी ने जो स्टेप लिया है उससे यूपी इलेक्शन में बीजेपी को ज़्यादा सपोर्ट मिलेंगे क्योंकि अभी इनिशियल फेज़ है और इनिशियल फेजेस में आई थिंक उनको एक नई चीज़ इंडियन सिटीजन को देखने को मिली है और वो ट्राई करना चाहेंगे और यूपी इलेक्शन में आई होप उनको फ़ायदा हो एंड आई वुड श्योरली गो फॉर दैट. आई थिंक इट्स अ वेरी गुड डिसीजन बाय मोदी जी कि करप्शन निकल जाएगा. बट इसकी ना प्रॉब्लम क्या है कि बहुत ही अचानक से उन्होंने ये रूल निकाल दिया, उस वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आ गई है. हमारी शूट भी एक दिन लेट शुरू हुई इस वजह से. एक दिन हमारी 2 की शिफ्ट थी, हमारी शूट 6 बजे स्टार्ट हुई. सो इट्स बिकॉज आपने 2 दिन बैंक और एटीएम बंद कर दिया ऑब्वियसली क्योंकि बैंक और एटीएम में जितने हो सकते 100 के नोट डाले होंगे बैंक वालों ने एंड प्लस आपने एक लिमिट डाल दी है विड्रॉवल और डालने की बैंक में अमाउंट. सो इट्स बिकम डिफ़िकल्ट क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कैश कैरी करते हैं, काफ़ी बिजनेस ऐसे हैं जो जिनकी डील्स सिर्फ और सिर्फ कैश में होती है और 500 और 1000 में होती है. जैसे ज्वेलरी शॉप हो गया, उनके पास सिर्फ 1000 और 500 के नोट्स होते हैं. सो एंड द बिग बिजनेस जो करोड़ में होता है, जो कैश में ही होता है, 500 और 1000, तो उनके पास तो ब्लैक मनी नहीं है. बट देन वो 500 और 1000 को 100 या जमा करते करते बहुत बहुत हेक्टिक काम हो जाएगा. दैट एवरी डे आपको बैंक जाना पड़ेगा, एवरी डे आपको एटीएम जाना पड़ेगा. सो आई थिंक इट्स अ पेन फॉर नाउ बट मे बी स्लोली स्लोली सब ठीक हो जाएगा. आई थिंक इट्स ऑल ऑन गवर्नमेंट क्योंकि जो काला धन है उसके ऊपर अब अगर कोई, किसी के पास ब्लैक मनी है और कोई वो बैंक में इन्वेस्ट करने जाएगा तो उस पर टैक्स लगेगा, ऑब्वियसली इनकम टैक्स लगेगा, तो वो टैक्स गवर्नमेंट को जाएगा. अगर हमारी गवर्नमेंट, मोदी जी की गवर्नमेंट, जो मोदी जी ने ये लिया है स्टेप, तो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि जो पैसा उनके पास जाएगा, पावर ज़्यादा गवर्नमेंट के पास आएगी, तो दे शुड स्टार्ट डूइंग थिंग्स बेटर. रोड्स अच्छे करने चाहिए. आज भी हमारे इंडिया में रोड्स ख़राब हैं, स्कूल्स में एजुकेशन नहीं है कितने लोगों को, कितनी टीचर्स कम पढ़ती हैं, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं क्लासरूम में. सो ये जो गवर्नमेंट के पास पैसा जा रहा है ये गलत तरीके से यूटिलाइज़ नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ में. ये हमें ही, हमारे ऊपर ही इसका अच्छे से अच्छे से इसका यूज़ होना चाहिए. आई थिंक सो पड़ेगा बट पता नहीं क्यों मुझे से लगता है कि ये जो जो भी डिसीजन है ये बहुत जल्दी से ले लिया मोदी जी ने। थोड़ा भी अगर थोड़ा सा लोगों को टाइम देते, बताते कि ऐसा होने वाला है, सो मे बी जो लोग सिर्फ बिजनेस कैश में करते हैं उनके लिए आसान होता। हो सकता है ये भी पॉसिबल है कि उन्हें कोई ना कोई वे मिल जाता अपने ब्लैक मनी को हाइड करने का। बट देन कितने ऐसे मिनिस्टर्स हैं जो ऑलरेडी अपनी ब्लैक मनी, ये ऑलरेडी जानते थे कि ये होने वाला है। कितने सारे मैसेजेस हो रहे कि अब वो जियो सिम आ गया है और वो अभी क्यों आया है, पहले क्यों नहीं आया। तो मे बी सब कुछ रिलायंस से उसमें इन्वेस्ट कर दिया होगा अपना ब्लैक मनी। सो आई थिंक जितने भी मिनिस्टर्स हैं ये कुछ चले गए हैं। सो आई थिंक कुछ गलत होना होता है तो वो ऑलरेडी हो रहा है। आई जस्ट थिंक कि आई डोंट नो, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बहुत हफड़ा तफड़ी मच गई है, वो नहीं होनी चाहिए थी और कुछ नहीं। देखिए, लकीली मैं उन लोगों में से आती हूँ जिन्हें लाइक बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हो रही है। बट बिकॉज आई एम हैप्पी दैट दिस डिसीजन हैव बीन टेकन बाय आवर बाय मोदी जी। बट मैंने हर एक डिसीजन के कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, एक नेगेटिव होते, एक पॉजिटिव होते। पॉजिटिव ये है कि हमारे जो ब्लैक मनी है, जो काला धन है, जो हमारे देश से काफ़ी बाहर है और काफ़ी लोगों के पास है, वो एक तो पकड़ा जाएगा। जिनके घर में इतना सारा कैश रखा हुआ है वो पकड़ा जाएगा। और वो जो कैश है वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है एक काम मोदी जी को और करना चाहिए, उनको एक अकाउंट खोल देना चाहिए जो हमारे सोल्जर्स हैं उनके लिए, कि वहाँ पर आके जो भी जिनके पास भी एक्स्ट्रा मनी है वो वहाँ पर आके डिपॉजिट करें। उनकी कोई भी आइडेंटिफिकेशन पूछी नहीं जाएगी, सो दैट उस अकाउंट में उन सोल्जर्स के लिए भले काला धन जिनके घर पे था वो एक एक्चुअली इकट्ठा हो जाएगा। तो एक मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। दूसरी चीज़ कि बहुत ही अच्छा ये डिसीजन लिया गया है, बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस भी हो रहे हैं, कुछ लोग ख़राब बोल रहे हैं, कुछ लोग अच्छा बोल रहे हैं। देखिए, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अब जैसे लाइक मैं हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा डिसीजन लिया, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग थ्रू विद द फेसेस जो दूसरे लोग गुजर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके घर में शादी है, जिनके घर में कुछ लोगों ने अपनी ज़मीन को बेचकर कुछ पैसे इकट्ठे किए, जिनके पास कोई प्रूफ नहीं है कि हमारे पास इतना पैसा कहाँ से आया, और उनको लगता है कि वो मेहनत की ही कमाई है, लेकिन अब उस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है। तो लकीली by the grace of God, I am not falling into that category, but I feel bad for them also कि I'm sure अभी नहीं but आगे चल के मोदी जी ज़रूर इस चीज़ का भी कोई ना कोई उपाय निकालेंगे। But I am really happy whatever decision has been taken by him, it's really good। थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, बट एक चेंज लाने के लिए इतनी प्रॉब्लम्स तो झेलनी पड़ेगी, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट बैंक्स में बहुत लाइन लगी हुई है, हर जगह बहुत लाइंस हैं। आप देख रहे हैं कि बहुत इनकन्वीनियंस हो रही है लोगों को, इनफैक्ट काफ़ी लोगों को हो रही है, इवन मिडिल क्लास लोगों को भी हो रही है। बट देन द एडवांटेज इसके मुझे लगता है कि मोदी जी का ये डिसीजन बिल्कुल सही है, क्योंकि जितने भी लोगों ने काला धन कमाया है और जितने भी लोगों के पास ब्लैक मनी है, जो हमारे पास तो बिल्कुल भी नहीं है। एज एन एक्टर वी जो भी हम थोड़ा बहुत अर्न करते हैं, वी पे द टैक्स, एंड इट्स सच अ गुड थिंग, क्योंकि अब पता चलेगा वो जो पावर्टी गैप होता है ना, जो रिच और पुअर के बीच में, वो रिड्यूस हो जाएगा। देयर विल बी डेवलपमेंट इन द कंट्री, एंड इट इज़ अ वेरी वेरी वाइज डिसीजन एंड आई टोटली सपोर्ट इट। मतलब आई नो कि थोड़ी बहुत इनकन्वीनियंस हो रही है लोगों को, बट उन लोगों का क्या जिन्होंने इतना काला धन छुपा के रखा है, एंड इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, इतना सारा उनके पास इतना पैसा है, एंड इट इज़ नॉट गोइंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी बडी। सो दिस वी आर एज इट इज़, तो कुछ यूज़ नहीं है। जब ये चीज़ें यूजफुल जगह जाएंगी, जैसे कि सोल्जर्स के जो भी प्रॉब्लम्स हुई है, मतलब हाउ मेनी पीपल आर आर डेड एंड जो भी है उसके इसमें जाएंगी तो इट विल बी सच अ यू नो बेनिफिशियल थिंग कि चाहे वो ब्लैक का पैसा बट इट विल be of use to someone and I think it is a very wise decision and I'm totally supporting it. नहीं बिल्कुल भी नहीं, मेरे पास देखो 200 रुपये थे और वो बड़ी अच्छे से चल रहे हैं आज तक क्योंकि गाड़ी में मैंने पेट्रोल भरवा लिया था. सो नाउ जो भी मतलब कैसे भी मैनेज कर रहे हैं, एक्चुअली फैमिली वाले हैं तो चाहे घर में खाना ना बने क्योंकि छुट्टे नो वन इज़ टेकिंग अभी 500 और 1000 रुपये के बट वी विल मैनेज. बट ये चीज़ है कि वी नो के आगे जाके इट इज़ विल बी अ बेनिफिट ऑफ फॉर अस. तो ये चीज़ हमारे हमें सबको पता है, इनफैक्ट सब लोगों को पता है तो ये कहीं ना कहीं फ़ायदा करेगी चीज़. तो ये बहुत सही डिसीजन है, आई एम टोटली सपोर्टिंग है. अच्छे दिन आ गए हैं, अब तो अच्छे दिन आ गए हैं. अब इतना तो मैं नहीं बता सकती कि फ़ायदा होगा या नहीं बट मुझे लगता है कि जो भी यू नो वो पावर्टी गैप है दैट विल इट विल रिड्यूस एंड जो इतने जो सब हो रहा है गलत चीज़ें हो रही है तो कहीं ना कहीं वो रुकेगी. जो कहीं ना कहीं ब्लैक मनी से आर्म्स खरीदे जाते हैं, एम्यूनेशंस खरीदे जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है ब्लैक मनी से, वो कहीं ना कहीं जो लोगों ने यू नो दबा कर रखा हो तो वो सब अब बाहर आएगा. जितने भी लोग दे आर यू नो नॉट पेइंग या यू नो छुपा कर रखा है पैसा तो वो सब अब इट विल बी आउट. सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग. ये नो प्रॉब्लम फॉर मिडिल क्लास पीपल.